बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों के लिए क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। आलू मैंने पहले से छील के रखे हुए हैं, अब मैं इनको मशीन से काटूंगी। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हाथ से भी काट सकते हैं। इसको हाथ से ऐसे पतले पतले पहले कतले बना के ऐसे बना लें, फिर इसको ऐसे उंगली के शेप में काट लें। अगर मशीन है तो फिर तो बहुत आसानी हो जाती है, जल्दी से सारे आलू हमारे कवर हो जाते हैं, कट जाते हैं। हाथ से भी आप काट सकते हैं, देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैं इनके ऊपर सबसे पहले सॉल्ट डालूंगी, क्योंकि आलू आजकल मीठे होते हैं, तो इसकी मिठास ख़त्म करने के लिए इनके ऊपर मैं सॉल्ट डालती हूँ। सॉल्ट के बाद मैं इनके ऊपर डालूंगी मैदा, सूखा मैदा छिड़कूंगी इसके ऊपर। इनको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैदे के बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी क्रिस्पी फ्राई मसाला। ये मसाला लगा के आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइज बनते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत बनाती हूँ, आप भी आजमा के देखना। अब मैं चेक करती हूँ आलू तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें, थोड़ा और गर्म होने दूँगी, फिर इसमें मैं फ्राइज डाल दूँगी आलू। तेल अच्छे से गर्म हो गया, तेल फुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि आलू डालते ही इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और फिर वो क्रिस्पी नहीं बनते। इसको मैंने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट बाद मैं थोड़ा सा फ्लेम कम कर लूँगी, ताकि ये जल्दी ना पके, अंदर से कच्चे ना रह जाए। आप देख सकते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइज तकरीबन तैयार है, क्रिस्पी फ्राइज तैयार है। अब मैं इनको निकालती हूँ, आप इनको देख सकते हैं, ये शक्ल से भी लग रहे हैं क्रंची। ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार है, मैंने डाल दिए, आप देख सकते हैं। आप ट्राई करें, बच्चों के लिए बनाएं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।